हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोगों का चैनल खूब सारा स्वागत है। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं एंड एज यूजुअल घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, मिस्टर बताएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं लाइट हाउस, और वहाँ पे करीब 4 से 5 फ्लोर ऊपर जाएंगे। तो वहाँ पे क्या, बिल्कुल सामने जो सनसेट है उसका नज़ारा बहुत ही शानदार आता है। तो अभी हम लोग वही देखने जा रहे हैं, और वहाँ से इस पूरे आइलैंड का जो व्यू है बहुत ही प्यारा दिखता है। तो मैं चल के वहाँ पे आप लोगों को हम लोग शूट करेंगे वहाँ जाकर, एंड जितना हो सकेगा उतना आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ओके गाइस, हम लोग निकल चुके हैं लाइट हाउस देखने के लिए, एंड देखते हैं वहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू आते हैं ये बता रहे हैं। मैं चल के काफ़ी फोटोज वगैरह क्लिक कराने वाली हूँ। बारिश होने लगी तो हमें रास्ते में रुकना पड़ा, आप लोग देख सकते हैं अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, तो यहीं पर शेड में हम लोग रुके हुए हैं। गाइस, अभी बारिश बंद हो गई है तो हम लोगों ने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और हमारा जो रूम है, जो हमारा क्वार्टर है, वहाँ से जो ये लाइट हाउस है ये करीब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो रोड भी इतना सही नहीं है, काफ़ी गड्ढे वगैरह भी हैं रोड में, और बारिश भी हो रखा है। तो मैं काफ़ी धीरे धीरे जा रहा था आराम से, और बीच बीच में 2-3 बार बारिश हो गई तो मुझे कई जगह पर रुकना पड़ा, जैसा कि आपने देखा भी है वीडियो में। और यहाँ पे बारिश ऐसे ही होती है, अचानक से बारिश आएगी
और मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट बारिश हो जाएगी, उसके बाद देन अगेन आपको सन दिखने लगेगा। तो अचानक से टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये यहाँ पे इतने सारे नारियल के पेड़ हैं, जिधर जिधर भी जाओ चारों तरफ नारियल के ही पेड़ हैं और इतना बढ़िया व्यू मिलता है इस इन नारियल के पेड़ों के बीच से गुजरने पर, बहुत सुकून मिलता है यहाँ से जाने में। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं कीटिंग पॉइंट, इसे लाइट हाउस भी बोलते हैं, और हम मेन रोड से राइट टर्न लिया हमने और यहाँ से धीरे धीरे जाएंगे हम लाइट हाउस के तरफ। और लाइट हाउस यहाँ से लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास है और रास्ते में बहुत सारे मोड़ हैं, तो इस वजह से बाइक की जो स्पीड है ना वो बहुत कम रखनी पड़ती है। और दूसरा एक और रीज़न है बाइक का स्पीड कम रखने, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं जो कि अचानक से बाइक के आगे आ जाते हैं, तो हमें बहुत सावधानी से बाइक चलाना पड़ता है यहाँ पे। और इन जंगलों के बीच से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जहाँ भी जाओ, कोई अगर व्यू पॉइंट है या फिर कोई सी का किनारा है, तो कहीं भी हम जाएंगे ना तो इन जंगलों के बीच से होके जाना पड़ता है। चारों तरफ घने घने जंगल हैं एंड बाकी आपको पता ही है चारों तरफ से एक आईलैंड है जो कि समुंदर से घिरा हुआ है। और जब ये साथ में होती हैं तो बात ही कुछ और होती है। और अभी हम दोनों मस्त इंजॉय करते हुए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और जितने भी अलग अलग व्यू आ रहे थे मैं सब इनको दिखाता जा रहा था, क्योंकि मैं इससे पहले भी यहाँ पे 2-3 बार आ चुका हूँ तो मुझे तो पूरा पता है यहाँ पे यहाँ का क्या क्या यहाँ के व्यू पॉइंट्स हैं। जो हम लोग चल रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में पूरा समंदर है और राइट साइड में ये रोड है जिस पर हम लोग जा रहे हैं। और अभी हम लोग बस अब लाइट हाउस के सामने पहुंचने वाले हैं, तो पहुंचने से पहले कुछ हम फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, तो मैं अपनी बाइक यहीं पे रोक दूंगा आगे चल के और फिर हम लोग फोटोग्राफी करेंगे यहाँ पे लाइट हाउस के सामने एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइट हाउस के लिए। तो अभी हम लोग लाइट हाउस पहुँचने ही वाले हैं और ये देखिए ये सामने है लाइट हाउस, हम लोग इसे कैंपस में एंटर कर गए हैं। बट यहाँ पहुँचने पर पता चला कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बैड लक रहा, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद से यहाँ पे एंट्री नहीं होता है क्योंकि थोड़ी देर में अभी अंधेरा हो जाएगा। तो इन्होंने बोला प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आइएगा, क्योंकि यहाँ पे टिकट्स वगैरह मिलते हैं, जो टिकट देने वाला बंदा वो भी नहीं था। तो हम लोग बस यहीं बाहर से ही शूट करके चले जा रहे हैं और इसके ऊपर का जो व्यू है मैं फिर दोबारा से यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आऊँगा और फिर वो मैं दिखाऊंगा। सो गाइस, जब हम लोग लाइट हाउस से रिटर्न जा रहे हैं और लाइट हाउस हमने अंदर तो हमें एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। सो हम लोग बाहर बाहर से हमने जितना सूट करना था कर लिया था, अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। और आप लोग ये देख सकते हो कितना प्यारा सा व्यू है। मैं जब भी जाती हूँ इन सारे व्यूज को कैप्चर करती हूँ, मेरा मन ही नहीं भरता है। और अभी सनसेट हो चुका है, व्यू देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है सनसेट का, ऐसा ही व्यू आता है सनसेट का। और हम लोग रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, सनसेट होते ही बिल्कुल डार्क हो जाता है। सो गाइज, मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पेंड करूँगी। अगर आप लोग को मेरा ये प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गाइज, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, आप लोग के लिए मैं बहुत प्यारा प्यारा वीडियो आगे भी लेकर आऊँगी। एंड पूरे इस आइलैंड को मैं एक्सप्लोर करूँगी। ये कार निकोबार आइलैंड ऐसा है कि यहाँ सब लोग नहीं आ सकते हैं। ये आइलैंड मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू पूरा आइलैंड का टूर करा दूंगी। तो गाइज, मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव यू गाइज।